कहते हैं हम कहानी लिखते, और कभी कभी कहानी हमें लिखती है, लेकिन हर कहानी के पीछे भी एक कहानी होती है। आज है मेरी और एक कहानी। पहले आप सबको एक बड़ा सा थैंक यू मेरी कहानियों को प्यार देने के लिए, इस नई कहानी को भी प्यार दिखाना। मेरे इस कहानी और बुक का नाम है कहानी उसकी है। तो मैं आयन कुमार शुरू करता हूँ एक और कहानी, जो भले ही मैं लिख रहा हूँ लेकिन तभी भी ये कहानी उसकी है। 3 दिसंबर मेरी पहली बुक ऑनलाइन पब्लिश हुई थी और एक प्रमोशन के साथ मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी लगी हुई थी। सुबह से लेकर शाम हो चुकी थी, समय बढ़ता जा रहा था और व्यूज सिर्फ 3। अब कहानी होगी फीकी ये सवाल चल रहा था, पर अब कर भी क्या सकते हैं, सिर्फ वक्त गुजरते ही देख सकते हैं। रात के 11 बज गए थे, मम्मी का डांटना कौन सुनता, तो मोबाइल रख के साइड में मैं तो चला था सोने। लेकिन मोबाइल एक मैसेज के साथ फ्लैश हुआ। वाओ, व्हाट अ स्टोरी विद रेड हार्ट। और ये मैसेज था फ्रॉम @beautynena06। और ये देख, एक बड़ी सी स्माइल आई, इसलिए नहीं कि लड़की का रिव्यू था, इसलिए कि पहला रिव्यू था। हम कहाँ लड़की के चक्कर में पड़ते, हम तो पैशन पर फोकस करने वाले सख्त किस्म के लौंडे हैं ना। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि यहां से तो ये कहानी शुरू होनी है। तो शुरू करते कहानी उसकी। थैंक यू डियर। सॉरी, मैं तुम्हें कल रिप्लाई नहीं कर पाई। थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। कल मैं लो फील कर रही थी और आपकी कहानी पढ़कर अच्छा लगा। बाय द वे, गुड मॉर्निंग। रिप्लाई दूँ या नहीं? और वो आईडी प्राइवेट से उस दिन मेरे लिए पब्लिक हुई। पोस्ट तो नहीं थी, बट हाँ डीपी थी उसकी। ओए हेलो आयन, फॉलो बैक तो दो। गुड मॉर्निंग। वैसे आपका नाम क्या? करते हो, इतना क्रिएटिव माइंड हो के भी एक आईडी पर नाम नहीं पढ़ पाए। बाय द वे, मैं नेना। ओ, और मैं आयन। हाँ हाँ, मुझे नाम पढ़ना आता है।
और यही से शुरू होनी थी ऐसी कहानी जिस कहानी के लिए हम बने नहीं थे। अब हर दिन मेरी और नैना की बात होने लगी थी, सुबह शाम रात खाते पीते हर समय, और बिना मिले भी हम अच्छे दोस्त बन गए थे। जो लड़का किसी से बात नहीं करता था वो आज किसी से बात कर रहा था, लिखना छोड़कर सिर्फ एक शख्स से बात करने लगा था। और अब हो चुकी थी आदत, आफ्टर 6 मंथ की दोस्ती अब अलग ही मोड़ ले रही थी। आई थिंक मे बी आई एम स्टार्टिंग टू लाइक हर, क्योंकि दिमाग में अब पूरे दिन उसके ही ख्याल चल रहे थे, सिर्फ उसकी ही बातें चल रही थी। और अब अगर मैं जल्दी रिप्लाई ना करूं तो वो रुट जाती थी, और अगर वो ना करे तो मैं रुट जाता था। लेकिन फिल्मी कहानी में फिल्मी ट्विस्ट ना हो तो वो हिट या ब्लॉकबस्टर नहीं होती। कुछ यूं ही हुआ था हमारे साथ। और पता है सबसे ज्यादा हर्ट कब होता है? जब किसी की आदत सी लग जाती है और सडनली पता नहीं क्या होता है जिसकी वजह से सामने वाला घोस्ट बना देता है। मतलब एक समय होता है जब आपसे ज्यादा एफर्ट सामने वाला डाल रहा था और आज सडनली वो एक बात, एक मैसेज, एक रिप्लाई के लिए तरसाता है। कुछ यूं ही हुआ था हमारे साथ, और कुछ यूं हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बहुत दिन रहा दिखी लेकिन रिसेंटली मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं। उसका अकाउंट चेकआउट किया और पता चला उसकी आईडी @beautynena06 की जगह आईडी का कुछ और ही नाम आ रहा था, और वो था यूजर नॉट फाउंड। और तब पता चला कुछ रिश्तों का एंड बिना बाय बोले भी हो जाता है। वो शख्स आई बी अनएक्सपेक्टेड था और मेरी लाइफ से गायब अनएक्सपेक्टेड। आज 2 साल पूरे हो गए और पता ही नहीं चला क्या गलती थी मेरी, गलती थी भी या नहीं। लेकिन हाँ, सच में वो इस कहानी में एक साइकेट्रिस्ट का रोल कर रही थी। वो आई और मेरी लाइफ चेंज कर गई। जो किसी से बात नहीं करता था वो आज सबसे बात करना चाहता है, भले भीड़ में अकेला हो लेकिन सब कुछ शुरू से स्टार्ट करना चाहता है। और उसकी याद में 1 साल रहने के बाद फाइनली मूव ऑन करने के लिए मैं कहानी लिखने लगा और बुक पब्लिश करने लगा, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, सिर्फ एक ही उम्मीद में कि वो कभी मेरी बुक फिर से देखेगी और यूजर नॉट फाउंड का टैग निकाल देगी। आप इस कहानी को पढ़ रहे हो और आपके साथ ऐसा हुआ है या जब भी होगा, नेवर गिव अप, हार मत मानो। भले मूव ऑन ना हो लेकिन एक पॉजिटिव थॉट लो और कुछ ऐसा करो कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि मूव ऑन भले ना हो लेकिन खुद के पैशन के पीछे वो गम भी कम लगने लगता है। इस छोटी सी लाइफ में कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन आएगा कोई आपकी लाइफ में भी अनएक्सपेक्टेड, भले टेम्पररी हो लेकिन आपको ऐसा बना देगा जो आप कभी थे ही नहीं। तो यहाँ तक थी मेरी अधूरी कहानी, पूरी तो हो जाती लेकिन क्या करे, ये कहानी तो उसकी है ना। और मिलेंगे जल्दी एक और नई कहानी के साथ, और ये कहानी भी पूरी करनी है ना। जी आप कौन? मैं स्टोरी टेलर अनामिका देसाई। तुम आयान कुमार ना? जी। एक्चुअली कई दिनों से मैं लो फील कर रही थी और आपकी कहानी पढ़कर मुझे अच्छा लगा, तो सोचा एक ही शहर के है तो जाके थैंक यू बोलाती हूँ। कल मैं लो फील कर रही थी और आपकी कहानी पढ़कर अच्छा लगा। रोलिंग कैमरा मूड एक्शन ना।
¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, 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 vaya!